खस्ता हाल येस बैंक में निकासी की सीमा 50,000 तय होने पर हड़कंप, कई शहरों में अफरा तफरी। मुंबई में येस बैंक के कस्टमर हुए परेशान, सुबह सुबह एटीएम पहुंचे लेकिन हुए निराश। अहमदाबाद में खाताधारकों के निकले आंसू, पैसे नहीं मिलने से हुए परेशान। बैंक में कुछ नहीं होगा, आपकी एफडी है, आपको मिलेगा, और अब हम कहां से लावे इतने सारे पैसा, कहां से मैं पहले यहाँ। आरबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, येस बैंक संकट को कुछ ही दिन में खत्म कर लिया जाएगा। येस बैंक के बोर्ड को आरबीआई ने किया भंग, एसबीआई के पूर्व सीएफओ प्रशांत कुमार के हाथ में दी कामकाज संभालने की तात्कालिक जिम्मेदारी। बैंक के ग्राहकों के लिए एक महीने में सिर्फ 50,000 निकासी की सीमा तय, गुरुवार शाम 6 बजे से लागू हुआ आरबीआई का आदेश। अपनी कमाई पर संकट के डर से येस बैंक के एटीएम पर शाम से ही उमड़ पड़ी भीड़, कई शहरों में पैसे निकालने के लिए लगी लंबी कतार। आर्थिक संकट में फंसे येस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई बढ़ा सकता है कदम, सूत्रों का दावा, जल्द हो सकता है हिस्सेदारी खरीदने का ऐलान। आज शेयर बाजार को लगा झटका, करीब 1200 अंक गिरकर खुला सेंसेक्स, निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की गिरावट। भारत में पैर पसारता जा रहा है कोरोना का खौफ, मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा, अब तक कुल 30 मामले सामने आए। गाजियाबाद के एक शख्स में हुए कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 23 फरवरी को ईरान के तेहरान से लौटा था परिवार। गाजियाबाद की कोरोना पीड़ित की पत्नी और बेटे के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए, सभी को आइसोलेशन में रखा गया। कोरोना की दहशत की वजह से हैदराबाद से जियारत के लिए गए 11 भारतीय मशहूर शहर में फंसे, भारत सरकार से की मदद की अपील। हम 11 जायरीन हैं जिसमें 8 औरतें हैं और 3 मर्द हैं सिर्फ, हम मशहद में आए, पर यहाँ आने के बाद हमें मैसेज मिला कि हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, इसलिए हम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करते हैं हमारे लिए इंडिया आने का इंतजाम करें। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर किया गया सभी यात्रियों की सैनिटाइजेशन का इंतजाम, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया जायजा। कोरोना से निपटने की तैयारियों की पीएमओ कर रहा है निगरानी, पीएम मोदी ने टाला ब्रसेल्स का दौरा। दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल 31 मार्च तक रहेंगे बंद, कोरोना पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने उठाए एहतियातन कदम। दौसा में भी एक संदिग्ध आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कोरोना से संक्रमित इटली के पर्यटकों के संपर्क में आया था होटल का गार्ड। हरियाणा के झज्जर में जर्मनी से लौटी महिला में कोरोना संक्रमण का शक, आइसोलेशन वार्ड में हो रही है निगरानी। मुंबई में नागरिकता कानून के खिलाफ जारी धरने में आधी रात को मचा हंगामा, पुलिस के पहुंचने से भड़की महिलाएं। धरना स्थल पर लगाए गए शेड को पुलिस ने की हटाने की कोशिश, प्रदर्शनकारी महिलाओं से हुई धक्काबुक्की। हंगामा बढ़ने पर आसपास के लोग भी धरना स्थल पर जमा हुए, नारेबाजी के बीच पुलिस टीम को लौटना पड़ा खाली हाथ। तो यहाँ पे ओस पड़ता है, पीछे बैठ नहीं सकते हैं, इसके लिए हमने वो छोटा सा सेट लगाया था, बात इतनी बड़ी नहीं थी, बड़े पैमाने में पुलिस आके हमको ये काटने के लिए उठाने लगी धक्कम धक। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाया बेवजह तंग करने का आरोप, कहा महिलाओं की छतरी भी छीन रहे हैं पुलिस वाले। लोकसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड हुए कांग्रेस के 7 सांसद, दिल्ली हिंसा को लेकर सदन में हंगामे की वजह से स्पीकर का फैसला। 7 सांसदों के निलंबन पर आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामे के आसार, मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी कांग्रेस। सरकार को 3 अप्रैल से पहले पारित कराना है बजट, बुधवार को संसद में दिल्ली हिंसा पर होगी चर्चा। आज गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़, संसद भवन में दोपहर में होगी मुलाकात। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदला, अब कहलाएगा छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट। दिल्ली में दंगों के आरोपी आप पार्षद ताहिर हुसैन को आज कोर्ट में पेश करेगी पुलिस, गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट की पार्किंग से किया था गिरफ्तार। 24 से 27 फरवरी तक चांदबाग और आसपास के इलाकों में था ताहिर, सीडीआर रिपोर्ट से हुआ खुलासा। गिरफ्तारी के बाद से ही ताहिर हुसैन से पूछताछ, सूत्रों का दावा, सवाल जवाब के वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है क्राइम ब्रांच।
गुरुवार को अदालत में सरेंडर करने की फिराक में था ताहिर हुसैन। कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र का मामला बताकर खारिज की अर्जी। गिरफ्तारी से कुछ देर पहले आज तक के कैमरे पर ताहिर हुसैन ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। नार्को टेस्ट करवाने के लिए चुनौती। पुलिस के हाथ लगी दिल्ली हिंसा में फायरिंग करने वाले शाहरुख की कार और मोबाइल। पिस्तौल की तलाश अब भी जारी। गोकुलपुरी हिंसा में जख्मी एसीपी से मिले दिल्ली पुलिस प्रमुख एसएन श्रीवास्तव। अनुज शर्मा ने ही बचाई थी डीसीपी शाहदरा की जान। दंगों में घायल डीसीपी की पत्नी ने बताई पूरी कहानी। कहा बातचीत के लिए बुलाकर अचानक भीड़ ने घेरा। टुमकुर में दर्दनाक सड़क हादसा। डिवाइडर से टकराकर कार दूसरी साइड पलटी फिर दूसरी गाड़ी से टकराई। 13 लोगों की मौत। फतेहपुर शेखावटी में दिखा होली का रंग। गणेश मंदिर में महिलाओं ने उड़ाया गुलाल। नरेश गोयल और उनकी पत्नी से 7 घंटे तक ईडी ने की पूछताछ। जेट एयरवेज के पूर्व मालिक के घर पर पड़ा था मनी लॉन्ड्रिंग केस में छापा। मध्य प्रदेश की सियासी उठापटक हुई तेज। बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग के इस्तीफे की अटकलें। सीएम और स्पीकर ने किया इस्तीफा मिलने से इनकार। सियासी संकट की वजह से देर रात को सीएम कमलनाथ की आवाज पर हुई बैठक। मंत्रियों ने कहा ऑल इज वेल। कांग्रेस के एक और विधायक बिसाहू लाल के परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी की शिकायत। विधायक के बेंगलुरु में होने की चर्चा। तोड़फोड़ की सियासत में कांग्रेस ने भी किया पलटवार। बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम कमलनाथ से की मुलाकात। इस्तीफा देने की अटकलें तेज। दिल्ली में सुबह सुबह बारिश से गिरा तापमान। सड़कों पर दिखी गाड़ियों की लंबी कतार। बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम बदला। अगले 48 घंटे तक बारिश की आशंका। कुल्लू में जबरदस्त बर्फबारी शुरू। पूरा इलाका सफेद चादर से ढका। हिमाचल की सोलांग घाटी में भी जबरदस्त बर्फबारी। जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल के 5 जिलों में जबरदस्त बर्फबारी। सबसे ज्यादा कांगड़ा चंबा में संकट। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।